بسم الله الرحمن الرحيم Welcome to my channel Rakshik Ideas Subscribe to watch it more Okay, let's go अस्सलामुअलैकुम माय व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ। हम लोग जी जा रहे हैं कुनमलीर और ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, और कराची से हम लोग निकले हैं कुनमलीर के लिए। रास्ते में हम लोग नानी माँ का मंदिर यानी कि हिंगलाज माता मंदिर से विजिट करते हुए आए हैं। ये व्लॉग आप देख सकते हैं, लिंक ऊपर मेंशन है। और हम लोग कुनमलीर पे पहुँच गए, तकरीबन एंट्री होने वाली है। ओ ये हम लोग कुनमलीर पहुंच गए। ये बोर्ड लगा हुआ है कुनमलीर का, ये कुनमलीर रेस्ट हाउस भी लिखा हुआ था। पहले साफ सुथरा होता था, लेकिन अभी ये पूरे हट्स वगैरह बना दिए हैं। भाई हम लोग पहुँच गए कुनमलीर, ऊपर हॉट सा कुनमलीर भी पहुँच गए। ये ले जी, पहुँच गए हम लोग कुनमलीर, और ये बिल्कुल स्टार्ट है। और इस तरफ कुछ जो है होटल बने हुए हैं, और हम लोग पहले खाना खाएंगे, भूख लगी है। सुबह 7 बजे नाश्ता किया है। जितना सुना था ना कि ये साफ़ सुथरा होता है और बहुत अच्छा, मुझे नहीं लग रहा। लेट्स सी, आगे जाके देखते हैं क्या है कुनमलीर में। ये देखें, पानी की बोतलें हैं जमा की हुई हैं। हम लोग तो माहिर हैं हर पब्लिक प्लेस गंदा करने में। प्लीज़ ऐसा ना किया करें, सफाई का ख्याल रखा करें पब्लिक प्लेस पे। ये भी हमारे घर के जैसा है, हमारा मुल्क है, तो हमारा मुल्क साफ़ सुथरा होगा तो हमारे मुल्क का ही नाम रोशन होगा। सबसे पहले हम लोग कुछ खाएंगे। ये आ गई जी गर्मा गर्म दाल और सब्ज़ी। इस वक्त हमारा सब्ज़ी का मूड था, जगह अच्छी नहीं है, बट इट्स ओके, हो जाता है ट्रेवलिंग में, ऐसा गुजारा करना चाहिए। बलोच बीच रिजोर्ट चेक करते हैं कैसे हैं। ये जी हट बने हुए हैं और 5000 पर नाइट है। हम विज़िट करने आए हैं, इनके रूम अच्छे हैं या नहीं है फिर लेंगे, उसके बाद स्टे करेंगे। सोच ही रहे हैं कि स्टे करें या ना करें। तितर कहा कि भाई ऊपर वाला रूम दिखाएं, लेकिन रूम जो है वो साफ़ सुथरा नहीं था और वॉशरूम भी बहुत गंदा। हमें तो ये कमरा समझ नहीं आया, कौन सा है गैलरी वाला, ये अच्छा, वो वाला तो अच्छा नहीं था। ये कंडीशन है भाई कमरे की, इतना गंदा। ये है जी प्यारा सा खूबसूरत सा बलोच बीच रिजॉर्ट कुनमलीर। हमें तो पसंद नहीं आया, तो हम लोग तो निकल आए, यहाँ स्टे नहीं किया, बस खाना खाया और आगे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आगे हम लोग जा रहे हैं प्रिंसेस ऑफ होप एंड गोल्डन बीच, देखें कहाँ पे स्टे करते हैं। अभी तो अपना सफ़र आगे की तरफ स्टार्ट किया है। ये पॉइंट बहुत अच्छी बनी हुई है, यहाँ स्टे कर सकते हैं हम लोग कुछ देर के लिए, लेकिन अभी हम आगे ही जाएंगे। व्यू बहुत अच्छा है, और ये रोड और ये व्यू देख के मुझे सैन फ्रांसिस्को याद आ गया। पहले से जब हम सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे तो इसी तरह से खूबसूरत सा रूट था, पहाड़ और बीच के साथ बहुत ही खूबसूरत था।
और ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ये हमारा पाकिस्तान है। ये पॉइंट हमें अच्छा लगा तो हम लोग रुक गए थोड़ी देर के लिए। खुद से सफ़र करने का यही फ़ायदा होता है अपनी गाड़ी का कि जहाँ दिल किया आप रुक गए थोड़ी देर के लिए, व्यू एंजॉय किया और फिर निकले आगे के लिए। पूरा रूट जो है बहुत अट्रैक्टिव है, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। और ये देखें, जिनको जो पॉइंट जो प्लेस अच्छा लगा है वो वहाँ रुक गए अपने हिसाब से, जिनको जो जगह अच्छी लग रही है। ये लें जी, पहुँच गए हम लोग प्रिंसेस ऑफ होप। कोई पब्लिक नहीं है यहाँ पे, ज़्यादातर लोग नहीं आते, थोड़ा दूर है कराची से। खामोशी देखें कितनी है यहाँ पे, इसको कहते हैं उम्मीद की शहजादी। ये सूबह बलूचिस्तान के मकरान कोस्टल हाईवे पर मौजूद है। प्रिंसेस ऑफ होप जो कराची से 190 किलोमीटर की मुसाफत पे है, इससे पहले इस जगह की कोई पहचान नहीं थी। इस जगह का नाम 2002 में एंजेलिना जूली ने रखा था। यहाँ के पहाड़ देखें, इतना सन्नाटा है, इतनी खामोशी, सुकून। ये एक छोटी सी शॉप है और सामने आसपास के गांव के कुछ लोग। बहुत ही अमेजिंग जगह थी, बहुत मज़ा आया और बहुत ज़्यादा सुकून था यहाँ पे। ये पॉइंट हमें अच्छा लगा तो यहीं रुक गए। ये गोल्डन बीच है और कुन मलीर से ये ज़्यादा अच्छा है। कमी सीखो, कहीं तो नज़र आया है गर्लफ्रेंड, यूज़ नहीं। जो समंदर है ना, ये बहुत साफ सुथरा है। इसने सारे चॉकलेट खा लिए हैं हमारे बजट के। ये यू चॉकलेट सस्ता वाला लेके आए खाने के लिए, हर आधे घंटे के बाद इसको चॉकलेट खाना है। ये व्यू देखे हम पीछे, हमारा एक बंदा सो रहा है, उसके सर में दर्द है।
इनके है सर में दर्द, तो ये आराम कर रहे हैं। भाई यहाँ पे कब्जा किया है, ये ग्लास हम लोगों ने फेंक दिए हैं, ये चबूतरा फ्री का। भाई ये यहाँ से हम लोग ऊपर है, एक होटल है दुआ होटल, और ये छोटी सी मस्जिद बनी हुई है। अभी हम लोग यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे जो होती, ये देखिए आप लोग, और ये वॉशरूम है। वॉशरूम इतने अच्छे नहीं है लेकिन ना होने से बेहतर हैं कि हैं। शुरू करके अब हम लोग नमाज पढ़ेंगे, फिर चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे। ओके ये वजू कर रहे हैं, कब धोए? कब धोएंगे? सही से हिसाब से धोए? हाँ। समझे? थोड़ा थोड़ा समझते हैं। तेरी नाम चाहिए? तेरी नाम चाहिए? बन्ने खुदा बच। ये एक फैमिली आई हुई है, इनका सिस्टम सही है, अपने साथ कैंप लेके आए, कैंप लगाए इन्होंने और फिर बाहर चादरें बिछा के अपना खाना लेके आए और फूड इंजॉय कर रहे हैं मजे से। के 7:30 हो रहे हैं, मगरिब पढ़ के हम लोग निकले हैं, वापसी के रास्ते पर हैं और ओवरऑल हमारे 35 लीटर लगे पेट्रोल के। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।